अगर ये अम्ब्रेला को सब्सक्राइब करने का आपको क्या फ़ायदा होगा और मेरे चैनल पर आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मेरी कौन सी एक्सपर्टीज से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहें। मैं आपका होस्ट मोहम्मद राशिद सब भाइयों को एग्री अम्ब्रेला के स्टेशन पर वेलकम करता हूँ। एग्री अम्ब्रेला बनाने का मकसद मेरा क्या था? मेरा मकसद था कि मैं एग्रीकल्चर की जो मेरे पास एक्सपर्टीज हैं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने पिछले 14-15 साल में जो सीखा है एग्रीकल्चर के सेक्टर में रहकर और अपनी तालीम से जो सीखा है, मैं चाहता हूं कि वो आने वाली नई जनरेशन को उसके बारे में पता चले। और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं, जो ज़राअत से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे फार्मर हो गए या डीलर्स हो गए या दूसरे ऐसे हजरात जो ज़राअत में आना चाहते हैं, या वो भाई जो एग्रीकल्चर सेक्टर से अभी यूनिवर्सिटी से फारिग हुए हैं, वो इस लाइन में आना चाहते हैं, तो उनको इसके बारे में सही और एडवांस एक्सपर्टीज होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि हमें जो पढ़ाया जाता है वो बहुत पुराना है। अब जो इस वक्त के जो एज के साथ जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, केमिकल्स चेंज हो रही हैं, केमिस्ट्रियाँ चेंज हो रही हैं केमिकल्स की, बहुत सारे ब्रांड्स नए आ गए हैं, नई वैरायटीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं मार्केट में, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। जब आप यूनिवर्सिटी से फारिग होकर आते हैं तो आपको कुछ भी नहीं पता होता। मेरे चैनल से आपको आने वाली नई वैरायटीज़ के बारे में, जो कंपनीज नई वैरायटीज़ मार्केट में लॉन्च करती है, उनके बारे में पता चलेगा। बहुत अच्छी वैरायटीज़ जो मार्केट में टॉप वैरायटीज़ हैं क्रॉप में, स्पेशली वेजिटेबल्स में जो बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं, जो परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही हैं, उनकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, उनके अंदर क्या ऐसी खसूसियात है जिसके बेसिस पे उन्हें फार्मर पसंद करता है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं एज ए एग्रोनॉमिस्ट और एज ए इंटोमोलॉजिस्ट, मेरा तकरीबन 14-15 साल का एक्सपीरियंस है। मुख्तलिफ कंपनीज़ में मैंने काम किया है, पेस्टिसाइड की कंपनीज़ के साथ मैं मुख्तलिफ पोजीशंस पे काम कर चुका हूँ। इसके अलावा मैं सीड की कंपनीज़ में R&D में काम कर चुका हूँ, मार्केटिंग में काम कर चुका हूँ, ऑल ओवर पाकिस्तान में मैंने काम किया है। इसके अलावा मेरा अर्बन पेस्ट पे मेरा तकरीबन 1.5-2 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है। एज ए इंटोमोलॉजिस्ट, जो मेरी डिग्री है और मैंने MPhil की हुई है इंटोमोलॉजी में, उसके बेसिस पे और कुछ मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको पेस्टिसाइड्स, फंजिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और इनकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मेरे चैनल से आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि जो नई केमिस्ट्रीज पेस्टिसाइड्स में इस्तेमाल हो रही हैं, उसके बारे में आपको मेरे चैनल से आपको इंशाल्लाह यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी। और आप अपडेट रहेंगे कि कौन से पेस्ट के लिए कौन सी केमिस्ट्री अच्छी रहेगी, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। इसके अलावा जो डिजीज़ के मसाइल हैं फार्मर्स को, जो मुख्तलिफ वेजिटेबल्स में डिजीज़ के मसाइल आते हैं, वो आपको उसके बारे में आपको अपडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मेरे चैनल से मिलेगी। इसके अलावा मेरा कंपनी रजिस्ट्रेशन में एक अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। आप को अगर किसी FSCRD के साथ कंपनी रजिस्टर करवानी है, या SSCP के साथ अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है, या आपने ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन करवानी है, या आपने अडाप्टेबिलिटी करवानी है, या इनलिस्टिंग करवानी है अपने प्रोडक्ट की, या इंटरनेशनल कंपनीज के साथ आपने बात करनी है, तो मेरा इसमें 6-7 साल का एक्सपीरियंस है और मैं ये भी इस चीज़ की भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। तो उसके बारे में इंशाल्लाह मैं जल्द अपने चैनल पे नॉलेज प्रोवाइड करूँगा। FSCRD से आप कैसे कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, अडॉप्टेबिलिटी कैसे होती है, इनलिस्टिंग कैसे होती है, SSCP से आप कंपनी कैसे रजिस्टर करवाते हैं, और ट्रेडमार्क के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मैं जल्द अपने चैनल पर प्रोवाइड करूँगा। ये थी कुछ इंट्रोडक्शन मेरे चैनल के बारे में जी। इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको मेरे चैनल पर आपको मिलेगा, जिसमें से जो नई इजादात हो रही हैं एग्रीकल्चर में, जो नए किस्म के कॉन्सेप्ट एग्रीकल्चर के में सेक्टर में आ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में जो चीज़ें अडॉप्ट हो रही हैं एग्रीकल्चर के बारे में, या नई किस्म के जो इक्विपमेंट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में, उनकी भी वीडियोज़ इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल से मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी। इसके अलावा भी आपको मैं जो अपने एक्सपीरियंसेस जो मुझे ट्रैवल में या किसी होटलिंग में अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, उसके बारे में भी आपको व्लॉग्स में इंशाल्लाह आप
अपने चैनल्स पे देता रहूँगा। ये थी आज की कुछ इन्फॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन मेरे चैनल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल का मकसद ये है कि इन्फॉर्मेशन फैलाई जाए और नई नॉलेज जो एडवांस आ रही हैं उनके बारे में अपने फार्मर्स को, पाकिस्तानी फार्मर्स को वो इन्फॉर्मेशन दी जाए। ये मेरा मकसद है। मैं चाहता हूँ कि इस मकसद में आप भी मेरे साथ जुड़ें और इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरे भाइयों तक भी पहुँचाएँ। तो हमें याद रखिए, इंशाल्लाह।